मेरी मानिए तो इस केस को आगे ना बढ़ाना ही ठीक होगा। एक्सीडेंट का एफआईआर हमें वैसे भी करनी पड़ेगी, लीगल प्रोसीजर है, आप समझिए इस बात को। साहब जी, मीडिया वालों को रुकना बहुत मुश्किल हो रहा है। हमने डॉक्टर से भी कहा है कि वो मीडिया वालों से कोई बात ना करे, लेकिन ज्यादा देर तक उन्हें रोक नहीं पाएंगे। जब तक आप सामने नहीं आएंगे वो लोग शांत नहीं होंगे। सर, क्या कह रहे थे आप? बात को समझिए आप, वो जो महिला थी उस परिवार की सदस्य, जानकी जी, जी उनकी कई बातों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हादसा कैसे हुआ वो तहकीकात से पता चल जाएगा। आपकी बेटी नहीं, बेटी की सास चली है। हम इस थ्योरी को मान भी लें कि मकसद आपकी बेटी को जलाना था, फिर भी दूसरा पक्ष ये भी थ्योरी आगे बढ़ाएगा कि आखिरी बार गैस ऑन करने वाली चांदनी जी ही थी। हादसे के वक्त वो किचन में थी। केस उल्टा भी हो सकता है, भगवान ना करे अगर चांदनी बिटिया जल जाती तो केस फिर कुछ और होता। जाते तो हम भी यही थे, पर पासा उल्टा पड़ गया हमारा। अब इस परिस्थिति को कैसे अपने पक्ष में करना है ये सोचना पड़ेगा हमें। सुन लिया फैसला? हो गई तसल्ली? अब तुम हमारे साथ चलोगे, वो पुलिस वाला ना बाहर ही खड़ा होगा, हम कंप्लेन कर देंगे, क्या कहते हैं वो एफआईआर दर्ज करते। चलो ऐसा नहीं करेंगे। आप चांदनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करेंगी। काहे? खुद ही सब करना चाहते हो। चलो अच्छा है, हिसाब बराबर हो जाएगा। एक बार इसने तुमको अंदर करवा दिया है, आज तुम इसे अंदर करवा। मामी जी, ना आप एफआईआर लॉन्च करेंगी ना घर का कोई भी सदस्य और करेगा। क्योंकि हम जानते हैं चांदनी बेगुनाह है।